अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वालेकुम अस्सलाम असमा कामरान, वालेकुम अस्सलाम आयशा हुसैन, वालेकुम अस्सलाम गुड़िया डॉल, वालेकुम अस्सलाम सनाउल्ला, वालेकुम अस्सलाम फारिया मेमन एंजल, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम इजदिल, वालेकुम अस्सलाम सबको, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम बहुत दिनों के बाद वेलकम बैक। जल्दी जल्दी से यार ज्वाइन करते जाओ, वीडियो को शेयर करके आते जाओ। स्टार्ट करते हैं। शबाना खालिद, अल्लाह का शुक्र है यार, मैं ठीक हूँ, बस ठीक ठाक हूँ हयात। वालेकुम अस्सलाम, आवाज सबको कम आ रही है, किसी किसी को कम आ रही है। अच्छा जी जी, पार्सल रिसीव, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच आयशा हुसैन। वालेकुम अस्सलाम, यार बताना मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है सबको। वालेकुम अस्सलाम सोबिया, वालेकुम अस्सलाम शामी शामी, थैंक्स फॉर शेयरिंग। वालेकुम अस्सलाम निमरा आदिल, लाइव क्यों नहीं आ रही थी, लाइव क्यों नहीं आ रही थी, लाइव ना आने का, लाइव तो मैंने आना ही नहीं था, लेकिन बस आप लोगों ने जो है ना मुझे खींच खींच के रोजाना कोई ना कोई मुझे खींच ही रहा था कि बस आप लाइव आ जाओ, तो बस ये समझो कि आप लोगों की मोहब्बत मुझे जो है ना वो खींच कर ले आई। जेबा एम गुड, अल्लाह का शुक्र है। समीना वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। लास्ट लाइव क्यों कहा था, अभी भी होगा लास्ट लाइव, ऐसा नहीं है कि लास्ट लाइव नहीं होगा, लास्ट लाइव मैं करूंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करूंगी, लेकिन बस उस लास्ट लाइव के लिए ना थोड़ा सा मैंने गैप दे दिया, गैप दे दिया कुछ वक्त हालात और कुछ लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर। वालेकुम अस्सलाम परवेज, वालेकुम अस्सलाम सैरिश, वालेकुम अस्सलाम, यस ओके है, थैंक यू सो मच। वीडियो एंड वॉइस क्लियर आ रही तो काइंडली मुझे कमेंट कर देना, सब क्लियर है। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम सैयदा मैविश, थैंक यू आयशा हुसैन, हाय। वालेकुम अस्सलाम सूफिया आरिफ, बहुत स्वीट लग रहे हैं, थैंक यू सो मच सूफिया। मदीहा जी, डरा दिया था आपने, अभी भी डरे ही रहो तुम लोग, कभी भी एंड वक्त आ सकता है मेरा। नौरीन अली, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं। हम अकेले छोड़ के कहाँ जा रही हो, यार सब अकेले ही छोड़ के जाते हैं, जिस जगह मैं जा रही हूँ ना वहाँ सब अकेले ही छोड़ के जाते हैं। अलीजा वालेकुम अस्सलाम, आप लोग बस दिल भर के देखते रहा करो मुझे। अच्छा जी गुड़िया, अली भाई कहाँ हैं, अली भाई पता नहीं यार मुझे कहाँ हैं, अली भाई 3 महीने से गायब है। समरा समरा वालेकुम अस्सलाम, क्या हुआ आपकी शफक, सब क्लियर है, थैंक यू। बॉटल ग्रीन के प्राइस क्या है फौजिया, बॉटल ग्रीन 4800 का है, थैंक यू हयात, मैं ठीक ठाक। फरमान आप कैसी हैं। अच्छा जी, आपका तो लास्ट लाइव था, आप लोग भी पता नहीं क्या क्या करते हो, क्या क्या करते हैं बताओ जल्दी से, क्या हो गया आपको क्लियर। अच्छा जी आलिया वालेकुम अस्सलाम, यह कमेंट काफी तेजी से भाग रहे हैं, अगर किसी का नहीं रीड कर पाई तो माजरत, मैं बार बार आपका लाइव। लवली डॉल, क्या हो गया डिलीवरी का टाइम होगा सारे शाम है, यार डिलीवरी इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ है, कमिंग जो मंथ आ रहा है ना उसमें है। न्याजी लिंक शेयर नहीं करें, सीरियस बात है क्या जीनत, जीनत बहुत सीरियस बात है, सीरियस बात नहीं बहुत सीरियस बात है। अल्लाह पाक साथ खैरियत से फारिग करे, आमीन सुम आमीन, तंदरुस्ती वाली जिंदगी दे, आमीन सुम आमीन। लास्ट लाइव आया करूंगी, दिल धड़क रहा है, सबके सामने करूंगी वो वाला लाइव, ऐसा लाइव होगा जिंदगी में कभी किसी ने ऐसा लाइव नहीं किया होगा। सैयदादी वालेकुम अस्सलाम, गई तो कहीं नहीं थी यार, यहीं पर थी। ब्लैक के प्राइस, ब्लैक नहीं है वो नेवी ब्लू कलर है। जाहिदा कुरैशी वालेकुम अस्सलाम, ऐसा क्यों बोल रही हो, ऐसा क्यों बोल रही हो, जिंदगी में बहुत लोगों ने बहुत सारी जो है ना वो दुख धोखे फ्रॉड कर लिए इसलिए कह रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद, वालेकुम अस्सलाम, आउट ऑफ सिटी जा रही हैं, हाँ
हाँ अस्मा शहजाद। अच्छा जी, शफक आपके हस्बैंड का है? हस्बैंड जो छोड़ के चले गए मुझे। शबाना खालिद, लंबी उम्र दे, आमीन सुमामीन। यार ना, मेरे पास व्हाट्सएप पे इतने हजारों मैसेजेस आ रहे थे, हजारों की तादाद में अभी भी ऐसे मैसेजेस हैं जिनको मैंने रिप्लाई नहीं दिया। बहुत सारे मैसेजेस हैं, माजरत कि मैं रिप्लाई नहीं दे पाई किसी को भी। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके लंबी लंबी चिट्ठियां आई हुई थी जो मैं नहीं पढ़ पाई मैसेंजर पे भी। वालेकुम अस्सलाम वफा, वालेकुम अस्सलाम सना कुरैशी साबी, वालेकुम अस्सलाम यशवा डॉल, वालेकुम अस्सलाम बीबी आमना, वालेकुम अस्सलाम। आपका लाइव अच्छा लगता है, बस कुछ दिनों तक अच्छा अच्छा लगेगा आप लोगों को मेरा लाइव। अच्छा जी, हसाम इमरान, वालेकुम अस्सलाम। मेरी तबीयत ठीक ठाक है, तबीयत वाकई में बहुत ज़्यादा भी ख़राब थी, अब तो अल्लाह का शुक्र है आज कुछ बेहतर है तो मैं सामने आ गई। आपने जो ग्रीन पहना है वो दिखा दे, मैं भी दिखाती हूँ वाला। वेडिंग के ही ड्रेसेस पहने हुए यार मैंने, प्राइस ग्रीन एक्यूरियस मैंने जो पहना हुआ है ये आपको मिलेगा 4800 का। सिस्टर कैसी हैं आप, क्या हो गया यार? यार मैं ठीक ठाक हूँ अल्लाह का शुक्र है, बाई का मैं ठीक ठाक हूँ अल्लाह का शुक्र है। हाँ बस लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ रही थी, लेकिन आज मैंने सोचा नहीं यार थोड़ी हिम्मत कर लूँ लाइव कर लूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को था कि लाइव कब आएंगी कब आएंगी। जब मैं व्हाट्सएप खोल रही थी तो सिर्फ एक ही वर्ड था सबके ऊपर कि लाइव कब आएंगी। जी भाभी के भाई, वालेकुम अस्सलाम। किसी से बात करती हैं वदिया, माशाल्लाह। नहीं यार मुझे जितना आप लोग अच्छा समझते हो ना, मैं इतनी अच्छी हूं नहीं, सही बता रही हूँ। कपल तो बहुत रोमांटिक था, रोमांटिक कपल सिर्फ रोमांस नहीं होता ना सब कुछ लाइफ में, तो अगर रोमांस से ही सिर्फ जिंदगी अच्छी गुजरती तो फिर सिर्फ यहाँ पे सारे कपल जो है वो सिर्फ रोमांस ही कर रहे होते और कुछ भी नहीं करते। वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। यार हस्बैंड को क्या हुआ है? हस्बैंड को जो हुआ है वो हस्बैंड से ही आप लोग पूछ लेना, अगर वो कभी जिंदगी में वापस आ गए तो उन्हीं से पूछना कि उनको क्या हुआ था, कौन सा बुखार चढ़ा था, जो बुखार उतरे तो शायद वापस आ जाए। वालेकुम अस्सलाम अदीला, मैं ठीक ठाक हूँ अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? हाँ वालेकुम अस्सलाम सूफिया, बताऊंगी बताऊंगी सबको, बहुत अच्छी तरह से बताऊंगी अच्छी सी स्टोरी, आप लोग पूरी स्टोरी मेरी जो है ना वो सारी जिंदगी जो है ना वो लाइव में देखते रहोगे। और अच्छा जी, वैसे फैन होते हैं अलीना कमिंग, बेबी ठीक? हाँ अल्लाह का शुक्र है एरश, माशाल्लाह बेबी ठीक है। आप लोग ये समझो कि बस उसी बेबी की वजह से आज जो है मैं आप लोगों को नजर आ रही हूँ। आज भी मैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गई थी हॉस्पिटल, और 3-4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता जो मैंने ये स्टे लिया है ना वो शायद इसी वजह से मेरा स्टे हो गया और लाइव आ गई मैं सिर्फ और सिर्फ इस बेबी की वजह से, वरना काफी दिनों से डॉक्टर के चक्कर इसीलिए लग रहे थे कि डॉक्टर को मैं खुद कह रही थी कि जल्दी से जो है बेबी डिलीवर कर दो ताकि मैं अपनी चीजें पूरी कर सकूं। नजर लग गई है शायद, नजर नहीं नजर भी कह सकते हैं लेकिन हाँ नजर भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना बीच में फसाद डलवाने वाले, तो वो अपने फसाद में कामयाब हो गए। अच्छा जी, बहुत परेशान हूँ आपके लिए, बस आप लोगों की दुआ चाहिए। अहमद ठीक है? हाँ माशाल्लाह अहमद ठीक है। रोमांस से ज्यादा ट्रस्ट बहुत जरूरी होता है, बिल्कुल जिया ने बिल्कुल सही बात बोली, रोमांस सब कुछ नहीं होता, रोमांस एक वक्त तक ही अच्छा लगता है और हस्बैंड भी रोमांटिक एक वक्त तक अच्छा लगता है बस, लेकिन अगर वो रोमांस जो है वो हर जगह होने लग जाए तो फिर वो फिर जहर लगने लग जाता है। यकीन नहीं आ रहा मुझे अस्मा शहजाद, बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं यार, अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे, आमीन सुमामीन। राहिला जदारी, वालेकुम अस्सलाम, आप बहुत स्ट्रांग गर्ल हैं। हाँ थी नहीं मदिया, अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन लोगों की कोशिश जरूर जारी है। हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है लगता है? नहीं अभी तक तो खैर नहीं की,
और अल्लाह करे अगर कर लें तो वो निभा सकें उसको, उसके साथ धोखा फ्रॉड ना करें। हस्बैंड आपके आपके पास ही आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी फरहान, हेलो, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अभी कितना टाइम है बेबी को? इंशाल्लाह 19 सितंबर को। क्या हुआ है फराज? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक साइमा, अल्लाह का शुक्र है। चलो मेरी जान, लीव द टॉपिक, अपने काम पर ध्यान दो। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा जी आपके रहम करें। हाँ यार मैं थोड़ी देर बैठ के इसलिए कर रही हूँ, तबीयत बस ऐसे ही है। नहीं अभी दोनों ने नहीं छोड़ा है, जब छोड़ेंगे तब भी इन्फॉर्म करूंगी। आज बैठी क्यों है आप, क्यों टेंशन ले रही हैं? वालेकुम अस्सलाम फरीदा निजाम, इतनी बड़ी गुड न्यूज ने भी उनको इंसान नहीं बनाया। काश हर मर्द ऐसा सोचने लग जाए, काश। अच्छा जी वालेकुम अस्सलाम सोनिया नुमान। नहीं सायमा अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जब होगा तो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगी। इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है, नसीब की बात होती है, ये मैं जरूर बताऊंगी। 2 साल हो गए हैं अकेली रह रही हूँ, बहुत खुश हूँ। शाइस्ता आसिफ, अल्लाह पाक शाइस्ता आपको हमेशा खुश रखे, लेकिन डिपेंड करता है ना कंडीशन के ऊपर। इतनी खूबसूरत आप में किस चीज़ की कमी थी? शायद रह गई होगी यार किसी चीज़ की कमी, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। अल्लाह भाई को हिदायत दे, आमीन सुमामीन। रुफैदा अमरीन वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। हाँ रहा था आप ही, खुश लग रही हैं आप तो रोजीना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह रोजीना मैं बहुत खुश हूँ। क्या काम? अच्छा जी वालेकुम अस्सलाम अलीजे, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ। बहादुर बने आपके साथ हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहादुर हूँ, अभी तक तो बहादुर हूँ। दुख हो रहा है कसम से, नहीं दुख नहीं करो, जब मैं चली जाऊंगी फिर दुख करना तुम लोग। अभी टेंशन नहीं लो ना दुख लो, अभी दुख बाकी है। बेटा आपके पास है अल्हम्दुलिल्लाह, अहमद मेरे पास है। हाँ और आने वाला बेटा जो है वो रहेगा अली अहमद के पास, आने वाला जो भी होगा बेटा हो बेटी हो, हस्बैंड वाइफ एक साथ। यार मैसेजेस बहुत तेजी से भाग रहे हैं, तो अब थोड़ा सा सेशन स्टार्ट कर लें। अल्लाह पाक जिंदगी तबाह और बर्बाद करे, आमीन सुमामीन। और जिन लोगों ने इस कार्रवाई में हाथ अपने अपने शामिल किए हैं वो तो मैं एक बहुत बड़ी चिट्ठी लगाऊंगी, उस पर सब आमीन आमीन कहना। आप बहुत प्यार करते हैं, थैंक यू सो मच, सबकी दुआएं आपके साथ हैं, आमीन सुमामीन। स्पेशली एक दुआ लगाऊंगी, वो दुआ के लिए आप लोग सब आमीन सुमामीन बोलिएगा। बेहतर करता है, बिल्कुल अल्लाह पाक बहुत बहुत बेहतर करता है हमें। मुझे भी नहीं पता थी ये सारी चीजें, लेकिन ये है कि काफी सारे लोगों ने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाया, जिसमें बहुत सारे हमारे लोग यहाँ पे शामिल हैं, अदीला है, सलमा है, बहुत सारे लोग हैं, राहिला है, तो मुझे भी नहीं पता थी बहुत सारी चीजें। उन्होंने ही मुझे कहा कि हर काम में बेहतरी होती है अल्लाह की, हो सकता है अल्लाह को कोई बहुत बड़ी चीज जो है वो आगे नहीं दिखानी थी, तो इसीलिए अल्लाह पाक ने इस पर ही टाल दिया। बच्चा माँ को स्ट्रांग करता है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, आप मेरी बहुत फेवरेट है, थैंक यू सो मच। सादिया सोबिया वालेकुम अस्सलाम। अहमद का नहीं सोचा आप लोगों ने, कौन सी माँ नहीं सोचती ये बता दो इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम शमशा खान, मैं ठीक ठाक हूँ अल्लाह का शुक्र है। नहीं यार आने वाले बेबी को आपकी जरूरत होगी, हस्बैंड को नहीं देना। हाय हाय नहीं, अमानत तो जाहिर हस्बैंड की भी होती है ना, आपको नजर लग गई है मिंसा फातिमा। मुझे नहीं, हमारी फैमिली को नजर लग गई है। बदनसीब लोग होते हैं जो मुनाफिकत करते हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, अल्लाह पाक अच्छा करेगा। ये भी आज बाद में आप लोगों से डिस्कस इसीलिए कर रही हूँ,
क्योंकि हर वक्त का जो एक टॉपिक था ना मेरे लाइफ में, अली भाई कहाँ है, अली भाई कहाँ चले गए हैं, क्यों चले गए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों से डिस्कस ही कर लूँ इस बात को, ताकि ये चैप्टर जो है यहाँ पे क्लोज हो जाए, कि अली भाई लोगों का जो चैप्टर है ना वो ख़त्म हो जाए सबके पास से। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं, अली भाई जो है पिछले 3 महीने से घर से गायब है। मुझे बहुत पसंद ऐसा होना था, देखो क्या होता है, अल्लाह मालिक है, क्या हुआ है। वालेकुम अस्सलाम शादाब, वालेकुम अस्सलाम मदीहा मदीहा। अच्छा जी, बस आप लोग दुआ करते रहे, क्या पता अल्लाह पाक सब कुछ सही कर दे, लेकिन हाँ अल्लाह पाक उनका जरूर अच्छा ना करे, सारी जिंदगी उन लोगों के आगे जो है वो नस्ल दर नस्ल चलता रहे सिलसिला, जिन लोगों ने इस चीज में हाथ शामिल किए हैं। ये बस मेरी दिल से दुआ है, और आप लोग भी जो है जरूर आमीन लिखिएगा, जिन जिन लोगों ने इस चीज में हाथ अपने शामिल किए हैं। हाँ मीन्स के भगोड़ा निकला अली भाई, अली भाई वाकई भगोड़ा निकला, वरना मेरे ख्याल से कोई अगर जानवर भी होता है ना, मैंने अपने घर में बिल्लियां बहुत पाली हैं, तो कोई इंसान अगर जानवर भी होता है ना, तो वो भी अपनी औलाद को या अपनी बीवी को इस कंडीशन में कम से कम छोड़ कर नहीं जाता। ये भी मैं बहुत मजबूरी में कह रही हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं था ये सब बातें यहाँ डिस्कस करने का, लेकिन सिर्फ मजबूरी ये है कि मैं अब जो है ना रोज लोगों को जवाब दे दे के थक गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं एक ही दफा जवाब दे दूं, ताकि ये रोज रोज की टेंशन खत्म हो जाए। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोगों को सुकून, मेरी तो दुआ है, मैं तो हाथ फैला फैला के दुआ कर रही हूं कि जिन जिन लोगों जो जो लोग इस चीज में शामिल हुए हैं ना, वो सारी जिंदगी खुश ना रहे। हकीकत में मैं आखिरी लाइव कर रही थी, और ये मेरा लाइव जो है ना, आप लोग इस लाइव में सब लोग गवाह रहना, मैं अगर हमारी खत्म हो गई, सिर्फ बच्चे का वेट कर रही हूं मैं, अगर हमारा रिश्ता वाकई खत्म हो गया, तो मैंने ये तकरीबन 7 पेज का जो है ना खत लिखा हुआ, ये 7 पेज का खत है, और इसमें वो लोग शामिल हैं, जब इंशाल्लाह मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, तो मैंने ये 7 पेज का खत जो है वो लिख के रखा हुआ है, वो लोग इस चीज में शामिल होंगे। ये तकरीबन 7 पेज का लेटर मैंने लिखा हुआ है, ये वजह थी जो मैं काफी दिनों से लाइव नहीं आ रही थी, तो बहुत सारे लोग इस चीज में शामिल हैं, तो ये खत मैंने लेटर लिख के रखा हुआ बकायदा, कि अगर मैं इस दुनिया में नहीं रही तो ये लोग सब जिम्मेदार होंगे, जिसमें 2 औरतें शामिल हैं और 1 अली खुद शामिल है। बाकी अगर अली वापस आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है
आने वाले के नसीब से वापस आ जाए। लेकिन ये हकीकत थी कि मैंने जो लिखा था कि मैं आखिरी लाइफ करूंगी, वो हकीकत थी कि मेरा वाकई आखिरी लाइफ था। और मैंने ये सोचा था कि यार मैं वो आखिरी लाइव में ही आप लोगों के सामने सब कुछ करूंगी, लेकिन बस शायद इस बच्चे की वजह से अल्लाह मियां ने मुझे रख लिया। और उस दिन भी जिस दिन मैंने लिखा था आखिरी लाइव करूंगी, उस दिन भी मैं हॉस्पिटल गई थी सिर्फ यही डॉक्टर से कहने कि डॉक्टर किसी तरह अभी डिलीवर हो सकता है बेबी, ताकि मैं उसकी गुनाहगार ना बनूं। नहीं, मदर इन लॉ मेरी दुनिया में नहीं है। और ये भी मैंने जो डिस्कस की ना प्रॉब्लम, मैं ये करती नहीं कभी भी, क्योंकि कोई भी औरत नहीं चाहती इस तरह बिल्कुल लाइव आके सब कुछ बोले। ये भी सिर्फ अली ने किसी से डिस्कस करना शुरू कर दी बातें, तो इसीलिए मेरा आज मैंने सोचा कि मैं लाइव में आके बताऊं। नहीं, ये कदम तो खैर मैं उठाऊंगी, आज नहीं तो कल, जब भी अल्लाह पाक जो है मुझे इस चीज से फारिग कर देगा बेबी, इंशाल्लाह जब भी होगा उसके बाद इंशाल्लाह मैंने ये तो कदम उठाना है। बाकी सारी चीजें मेरे ना होने के बाद, वो मैंने सारी चीजें मेंशन की भी हैं जो मैंने लेटर लिख के रखे हुए, वो बाद में विद प्रूफ सारी चीजों के आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कैसे हुआ, मेरा क्या कसूर था। मैं तो आज तक यही ढूंढना चाह रही हूं कि मुझे मेरी चीजें पता चल जाए कि आखिर मेरी गलती क्या थी। खराब कर रही हैं, इतनी जल्दी ना करें कोई फैसला। मैं तो कोई फैसला ही नहीं कर रही यार, मैं तो कोई फैसला ही नहीं कर रही। अच्छा जी, बिल्कुल भरोसा है अल्लाह पाक पे, बिल्कुल भरोसा है। अहमद के लिए भी माशाल्लाह मैंने हर चीज सेटअप करके रखी हुई है, अहमद की भी मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि अहमद का भी मैंने बंदोबस्त कर लिया। अहमद के लिए भी मैंने एक अलग से लेटर लिख के रखा हुआ है। अहमद इंशाल्लाह बहुत बहुत सेफ जगह पे चला जाएगा। अपने बच्चों का जरूर सोचे, बता तो रही हूँ, बच्चे का सोचने की वजह से ही तो शायद मैंने अभी जो ये एक हफ्ता 10 दिन गुजारे है ना। आमीन आमीन आमीन। आप लोग ये सोचो ना, मैं कमजोर होती तो 3 महीने थोड़ी गुजारती। मैं 3 महीने से आप लोगों के सामने लाइव आ रही हूं और अली जो है वो 3 महीने से साथ नहीं है। अगर कमजोर होती तो वो 3 महीने थोड़ी मैं अच्छे से गुजार के आ जाती। बिल्कुल आयशा मलिक, बिल्कुल दिखाएगा और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर दिखाएगा। मेरी तो दिल से दुआ है ये, यहाँ तक के मैं नमाज तहज्जुद पढ़ के मैंने ये दुआएं मांगी हैं। मैंने रोजाना स्टिल अभी तक मैं नमाज तहज्जुद हर नमाज में असर से लेके मगरिब तक सिर्फ यही दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह पाक जो जो लोग इस चीज में शामिल हैं, जिन जिन लोगों के इसमें हाथ हैं, या अल्लाह पाक तू उससे जल्द से जल्द बदला ले। मैं रोजाना नमाज हाजत पढ़ती हूँ, रात को नमाज तहज्जुद पढ़ती हूँ, उसमें भी सिर्फ यही बोलती हूँ कि जो जो लोग इस चीज में शामिल है ना, अल्लाह पाक उनको बहुत जल्द दिखाएगा। नहीं, बहुत खुश रह रहे थे, अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश रहने की वजह से ही तो शायद वो लोगों को हजम नहीं हुआ।
खुश रहते थे, अच्छे से लाइफ करते थे, तो वो लोगों को शायद हजम नहीं हुआ। कहते ना बहुत सारे लोगों को जो है ना वो किसी की खुशी देखी नहीं जाती, हसद जलन से ही शायद वो मर रहे थे, तो उन लोगों को ये तकलीफ हो गई। अब नहीं नहीं वो तो यार इंशाल्लाह अभी नहीं करूंगी, मैं ये नहीं कह रही कि मैं कुछ करने अभी जा रही हूँ। हाँ लेकिन अगर कुछ स्टेप हुआ तो फिर मैं जरूर करूंगी। 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया था आप लोगों ने, नहीं हिजाब फातिमा वो पुरानी वीडियो अपलोड थी, वो रिव्यू आता है ना फेसबुक का, तो वो पुराना रिव्यू था। जादू तो नहीं कराया? हाँ ना जादू ही तो करवाया है। हाँ लीजा कपल की मिसालें देते थे ना, तो इसी वजह से तो ये सब कुछ हुआ है कि लोगों को हजम नहीं हो रहा था। और ये हकीकत में मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करती, लेकिन सिर्फ इसी वजह से मैंने डिस्कस किया कि रोज मुझे व्हाट्सएप पे हजारों मैसेजेस आ रहे होते थे, यहाँ पे भी मैं लाइव कर रही होती थी, लोग पूछ रहे होते थे कहाँ है कहाँ है कहाँ है, तो मैंने कहा फिर मैं एक ही दफा बता दूँ ना, रोज रोज बताने से बेहतर है बंदा एक ही दफा बता दे। वो भी मैंने इसीलिए अब डिस्कस किया क्योंकि अब अली ने डिस्कस करना शुरू कर दिया लोगों से, तो इसलिए मैंने सोचा कि फिर मैं क्यों चुप रहूं। अल्लाह करे, मेरी तो अभी भी यही उम्मीद है कि अल्लाह मियां उस बंदे को हिदायत दे, उसकी आंखें खोल। कौन लोग हो सकते? अपने ही होते हैं, अपने ही होते हैं। कौन होता है? दूर का तो कोई भी नहीं होता जिसको तकलीफ हो, दूर का कोई नहीं होता जिनको तकलीफ हो, प्रॉब्लम हो, हसद हो, जलन हो। गैरों ने क्या करना होता है? तकलीफ तो जो आसपास होते हैं ना अपने उन्हीं को होती है। अहमद कहाँ है? अहमद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ही है। नहीं अली भाई दूध पीते बच्चे ना, उनको कहाँ अक्कल होगी? अक्कल होती तो क्या बात होती। चलो यार स्टार्ट करते हैं अब लाइव। सबसे पहले मैं आप लोगों को यही वाला ड्रेस दिखाती हूँ जो मैंने पहना हुआ है, और उसके बाद वन बाय वन करके दूसरे ड्रेसेस दिखाती जाऊंगी। अच्छा जी, मत रोज बोलता है।
मामा जो है वो रोजाना मुझे कहता है, मामा फोन मिला दे मैं बात करता हूँ। हाँ फिजा सब खैरियत है। नहीं नहीं दूसरी शादी नहीं की अभी, दूसरी शादी नहीं की, लेकिन हाँ उनकी फैमिली बहुत शिद्दत से चाहती है, बहुत शिद्दत से चाहती है उनकी फैमिली। जाहिर सब देख रहे होंगे, सबके सामने ही कह रही हूँ, उनकी फैमिली भी और अली भी खुद बहुत शिद्दत से चाहते हैं कि दूसरी शादी हो जाए, बहुत शिद्दत से। उनकी फैमिली की और उनके खानदान की शायद आखिरी ख्वाहिश यही होगी कि अली की दूसरी शादी हो जाए। ये तो अब मैं डिस्कस कर रही हूँ ना, ये 3 महीने से चल रही है कहानी, ये अभी की कहानी नहीं है, 3 महीने से चल रही है। अली खुद अपने मुंह से कहते हैं, अली खुद अपने मुंह से कहते हैं कि मेरे घर वालों ने ये कहा है, अली के खुद के अल्फाज हैं ये, मेरे पास मैसेजेस सेव हैं, इंशाल्लाह दिखाऊंगी हर चीज सबको दिखाऊंगी, अगर खत्म हो गई कहानी तो मैं जरूर आप लोगों को सबको दिखाऊंगी। अली खुद अपने मुंह से ये कहते हैं कि मेरे घर वालों ने ये कहा है कि अगर तुम उस लड़की के पास दोबारा गए तो हमसे कोई ताल्लुक वास्ता मत रखना, ये अली के अल्फाज हैं। मेरी नजर में ना अब जिससे शादी होगी ये कहना, किसी से अफेयर चल रहा है ये कहना, ये अल्फाज बहुत छोटे हो गए, बहुत छोटे हैं अब मेरे लिए ये अल्फाज अली के लिए इस्तेमाल करना कि उनका किसी से चक्कर चल रहा है या वो दूसरी शादी कर रहे हैं, ये अल्फाज बहुत छोटे हो गए। अभी अहमद के अलावा और साथ है कोई? हाँ शादाब वो है ना, भतीजी है मेरी साथ, भतीजी है, हाँ मेरे माशाल्लाह दूसरा होने वाला है, भतीजी है मेरे साथ। ये लाइव करने का मुझे इसीलिए तो मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि मुझे अकेला नहीं छोड़ रहा था इतने दिनों से, क्योंकि जाहिर है मेरी फैमिली को तो सारी सिचुएशन पता है ना। हाँ हाँ सना माशाल्लाह बेटा है मेरा एक, और दूसरे की आमद है माशाल्लाह से। वालेकुम अस्सलाम कौसर। वालेकुम अस्सलाम जलेहम्मा। चलो यार चेंज करते हैं टॉपिक को, अली बच्चा नहीं है, अली वाकई दूध पीता बच्चा है, दूध पीता बच्चा है ना, मैंने उसको गोद लेके पाला था। हाँ मैं इतने दिनों से लाइव में बता तो रही थी ना, मेरी शक्ल है ना मेरी सूरत है, ना मैं शक्ल सूरत की हूँ,
शक्ल सूरत पहले नजर नहीं आई थी, अब मेरी शक्ल सूरत भी नजर आ रही है। नहीं ये तो मुझे पता है यार, थैंक यू सो मच, आप लोग सब मेरे साथ हो, सज्जाद शादाब, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे लाइव आने पर भी आप लोगों का ही साथ है जिसकी वजह से मैं शायद लाइव आई हूँ, वरना मैं लाइव नहीं आती। बहुत सारे लोग परेशान थे इसी वजह से मैं लाइव आ गई, बहुत सारे लोगों के समझाने पर, कुछ लोगों को जाहिर है पता भी था। लेकिन हाँ अब मैं चुप इसलिए नहीं रही, रुक की इसलिए नहीं कुछ बोलने से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वैसे ही पता चल रहा था, तो मैंने सोचा कि यार खुद ही बंदा एक दफा बता दे। चलो खैर स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले यही वाला ड्रेस दिखाऊंगी जो मैंने वेयर किया हुआ है। नहीं रोजीना मैं कहाँ प्यारी हूँ, ना मेरी शक्ल है ना सूरत है, मुंह देखा है मेरा कैसा है, कैसे प्यारी हो सकती हूँ मैं। प्यारा इसको थोड़ी बोलते हैं, तो कोई चांद से आसमान से परी उतरी होगी उसको प्यारा बोलते हैं। मेरी कहाँ शक्ल ना सूरत की मैं, सारी चीजें अब नजर आ रही हैं। अच्छा जी बीवी नहीं मिलेगी, आप बहुत क्यूट हो माशाल्लाह। नहीं नहीं मुझसे ज्यादा अच्छी मिलेगी, वो सिगरेट पिलाने वाली मिलेगी, भर भर के भरी हुई सिगरेटें पिलाने वाली मिलेगी। हम तुम्हारे साथ है, थैंक यू सो मच रेहाना हारिस, थैंक यू सो मच। सारी चीजें लगाऊंगी ना मैं, एक ही दफा दिखाऊंगी, एक ही दफा दिखाऊंगी, रीजन भी बताऊंगी, सारी चीजें एक एक करके मेंशन करूंगी, क्या क्या रीजन थे क्या क्या रीजन नहीं थे सब बताऊंगी, टेंशन नहीं लो, बस आखिरी वक्त आने दो फिर बताऊंगी। ये साहब तो गए। अच्छा जी अहमद से जब से गए एक दफा बात हुई है, और वो भी ये कहा कि आपकी मम्मा आपको संभाल लेंगी। हाँ जिस तरह एक संभाल रही है दूसरा भी संभाल लेगी। थैंक यू शादाब। हाँ अल्लाह पे ही छोड़ा हुआ है, अल्लाह पे ही छोड़ा हुआ है। आमीन सुम आमीन फिजा दानिश, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। ये जो आंसू है ना, मैं रोज पी नहीं रही थी, आंसू 3 महीने से मैंने दबा के रखे हुए थे जो अब निकले। अली काम क्या करता है? हाय ये तो बड़ी लंबी स्टोरी, अली काम क्या करता है, काम किया ना इतना बड़ा, देखा नहीं यही काम करता था अली, इतना बड़ा काम किया अली ना, यही तो काम आता था अली को। अल्लाह करे सना राजपूत, मेरी तो अभी भी दिल से दुआ यही है कि अली जरूर वापस आए। मेरे लिए नहीं, मुझे अब जरूरत नहीं है। हाँ अगर अपने बच्चों के लिए आ सकता है तो आ जाए। अच्छा जी चले भाई स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले यही वाला आर्टिकल दिखाऊंगी, थोड़ा सा पीछे कर दो।
अब अच्छी अच्छी बातें करो ताकि मैं हंस जाऊं। अच्छी अच्छी बातें करो, 3 महीने हो गए मुझे रोते हुए, तो अब मैं रोना नहीं चाहती। अब मैं चाहती हूँ आप लोग अच्छी अच्छी बातें करो, पर करो उससे थोड़ा सा। और नहीं नहीं खड़ी हो रही हूँ, बहुत देर हो गई बैठे हुए भी। मैंने जो पहना हुआ शगुफ्ता वो आपको मिलेगा 4800 का, 4800 का। आमीन सुमामीन शरारत की लड़की रस्ट वाला भी दिखाती हूँ। सबसे पहले यही वाला आर्टिकल दिखाती हूँ जो मैंने पहना हुआ है, ये आप लोगों को मिलेगा, ये वाला आर्टिकल, ठीक है, जो मैंने पहना हुआ है। हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ भाई, ये वाला आर्टिकल आप लोगों को मिलेगा 4800 का, बॉटल ग्रीन कलर, स्मॉल मीडियम लार्ज साइज में अवेलेबल है। अच्छा जी, नजर लग गई है, नजर लगती ना तो नजर के बहुत उतार चढ़ाव मैंने कर लिए। बाकी अच्छा जी, बिजनेस अलीना बिजनेस किसका है? बिजनेस में मैं तकरीबन 2006 से बिजनेस कर रही हूँ, जब मेरी अली से शादी भी नहीं हुई थी। अनुषा खान वालेकुम अस्सलाम, है ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मैंने जो ड्रेस पहना हुआ 4800 का है, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये चेक कर लो, पूरा हैंडमेड के साथ है, फुल फैंसी ड्रेस है। रस्ट वाले की प्राइस बताती हूँ ना, रुको पहले दिखा दूँ, फिर एक ड्रेस दिखा दूँ उसके प्राइस बताऊंगी, देन फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बस आप खुश रहें, दफा करें। हाँ मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बस ठीक हूँ। अच्छा जी, ये चेक कर लो, बॉटल ग्रीन कलर, प्योर शिफॉन फैब्रिक के ऊपर है, नेकलाइन देख लो इसका। हाँ वाकई अब टॉपिक चेंज कर लो ताकि मैं ड्रेसेस दिखा सकूं आराम से। अक्कल पे पत्थर पड़ गए हैं, यही बात है ना, ये तो इनको समझ नहीं आ रही। हाँ मदिया कुछ ऐसा ही सीन है, लेकिन फिर भी मैं दिल से यही दुआ करती हूँ अल्लाह पाक उसकी अक्कल पे जो पत्थर पड़े हैं वो निकल जाएं, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, उनकी आंखें बंद हैं आंखें खुल जाएं, उनकी दिमाग उनका जो बंद हुआ हुआ है अल्लाह पाक उनका दिमाग खोल दे, मेरे लिए नहीं बच्चे के लिए। हाँ सेशन ही दिखा रही, ये आ गया जामावाड़ का प्लाजो, ये आ गया इसका शेफून का दुपट्टा, अहमद 5 इयर्स का हो गया माशाल्लाह। मेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, हाँ हमेशा आप लोग खुश देखते थे ना इसीलिए ये हुआ है। ये वाला ड्रेस आप लोगों को मिलेगा 4800 का, साइज स्मॉल मीडियम लार्ज, डीसी फ्री है, डीसी फ्री है। खलील वालेकुम अस्सलाम, यार मैं तो कभी इस तरह के अल्फाज मुंह पे लेती भी नहीं थी। हाँ हाँ राइट नाउ मैंने जो है वो लार्ज साइज पहना हुआ है, मैंने राइट नाउ लार्ज साइज वेयर किया हुआ है। आ गया नेवी ब्लू कलर, ये वाला भी न्यू आर्टिकल आया है, नेवी ब्लू स्मॉल मीडियम लार्ज साइज में मिलेगा, नेवी ब्लू कलर। इसके बाद रस दिखाती हूँ। हाँ लव मैरिज हुई थी अस्मा, लव मैरिज हुई थी, हमेशा यही होता है जिनकी लव मैरिज होती है ना उनके साथ यही होता है। ये चेक कर लो, ये आ गया फैंसी आर्टिकल,
कह रही है समन, पछताएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस फिर भी दुआ है यार, अल्लाह पाक हिदायत दे दे, अक्ल ठिकाने ले आए, हिदायत दे दे। अभी समझ नहीं आती इंसान की, इंसान बाद में पछताता है। बैक साइड देख लो, नेवी ब्लू कलर है ये। मैंने जो पहना है सैयदा मरियम, ये आपको मिलेगा 4800 का। जुनैरा डिपेंड करता है साइज के ऊपर, डिपेंड करता है साइज के ऊपर। ये चेक कर लो, ये आ गया इसका प्लाजो। ये वाला भी आपको 4800 का मिलेगा, 4800 विद फ्री डीसी। प्राइस 4800 जो मैंने पहना हुआ उसके भी, और जो ब्लू दिखा रही हूँ वो भी। एक्सेल नहीं है, स्मॉल मीडियम लार्ज। ये इसका आ गया दुपट्टा, शेफून का दुपट्टा, स्मॉल मीडियम लार्ज। मधु को काम हो तो बताना, जरूर बताना। बस यार आप लोगों से फिलहाल तो ये काम है कि आप लोग दुआ करो, अल्लाह पाक सारे मामलात बेहतर कर दे, उनको हिदायत दे दे। बाकी कुछ नहीं हो सका तो अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। बाकी सारी चीजें तो मैंने मेंशन कर दी हैं, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के सामने आ जाएगी। ज्यादा नहीं, एक महीने की बात है, जब बेबी इस दुनिया में आ जाएगा तो उसके बाद। मैंने अच्छी तरह से सब कुछ लिख लिखा के रखा हुआ है। मेहंदी के लिए अंगरखा कुर्ती होगी? नहीं यार, अंगरखा कुर्ती नहीं होगी, ठीक है। ये वाला भी आप लोगों को ब्लू कलर 4800 का मिलेगा, रस्ट दे दो मुझे। लव मैरिज थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर वालों की तरफ से कोई इशू नहीं था। ये रस्ट नहीं है, रस्ट वाला खलील खान। वालेकुम अस्सलाम। लार्ज की लेंथ क्या है? लार्ज की लेंथ 40-40 प्लस होगी, 40-40 प्लस लेंथ होगी। अच्छा जी, ये देख लो रस्ट कलर, इसमें दो कलर है, एक ग्रे कलर मिलेगा और एक रस्ट कलर। आई लव यू मदीहा, बहुत अफसोस हुआ, फिकर ना करें। अच्छा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ ये देख लो माहीन, वही दिखा रही हूँ, रस्ट कलर दिखा रही हूँ। मैं तो भाई हर तरह से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ। मैं कौन सा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही, शादी से लेकर अब तक कॉम्प्रोमाइज ही कर रही हूँ। लार्ज का चेस्ट साइज 22 मिलेगा, 22 चेस्ट साइज मिलेगा। ये चेक कर लो, ये आ गया रस्ट कलर, दो कलर मिलेंगे, ग्रे कलर और एक रस्ट कलर। हाँ लेकिन यार स्ट्रांग वुमेन्स की भी जो है कभी कभी हिम्मत जवाब दे जाती है ना, हर वक्त इंसान स्ट्रांग भी नहीं रह सकता। मैं ब्राउन वाला भी दिखाती हूँ, वेट करो वेट करो। राबिया आजकल तो बहुत बुरा हाल हुआ है, देखो इतने घने हुए हैं बाल कि मैं क्या बताऊं, जब मैं बाल खोलती हूँ ना ऐसी भूत लग रही होती हूँ। आजकल बाल बहुत घने हुए हैं। ये आ गया इसका प्लाजो रस्ट, अच्छा जी। ये आ गया इसका दुपट्टा, नहीं यार कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है, वो मैंने ऑलरेडी किया है कि वो वापस आ जाए। अच्छा जी छोड़ो, हम आपकी फैमिली है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो बात है आप लोगों की सपोर्ट मेरे लिए बहुत 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 मायने रखती है, इसमें कोई शक नहीं है। आज जो मैं खड़ी हुई हूँ और आप लोगों की वजह से ही खड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। यार मैंने टू फेस का लिप ग्लॉस लगाया हुआ है। अनमोल आसिम क्या हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ, होगा तो बताऊंगी। ये वाला आप लोगों को दो कलर में मिलेगा, रस्ट कलर 4500 से, 4500 से मिलेगा। एक इसी का ग्रे कलर, हमें भी बालों
वाला भूत दिखाना। हाँ बालों वाला भूत दिखाऊंगी। वाकई मेरे बाल इतने घने हो गए ना कि मुझे हर वक्त ऐसे जूड़ा बांध के रखना पड़ा, बहुत घने हो गए। हम बहुत मर्द बहुत शौक से शादी, हाँ मर्द बहुत शौक से शादी करते हैं, और इनफैक्ट जब शादी करने वाले हो रहे होते हैं ना तो जब तो ये तक बोल देते हैं कि हम जहर खा लेंगे, हम मर जाएंगे, हमसे स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो जो लिखवाना है, और क्या क्या बात है, ब्लैंक स्टैम्प पेपर साइन करवा लो, जो लिखवाना उसमें लिखवा लो, कभी जिंदगी में छोड़ना ही। कुरान पाक उठा लेते हैं लोग, इतनी बड़ी बड़ी बात है, अल्लाह माफ करे, लोग कुरान पाक उठा लेते हैं कि ना कभी जिंदगी में छोड़ के जाएंगे और ना कभी जो है इस तरह के वर्ड मुंह पर लेकर आएंगे। बाकी सब चीजें लिखना लिखाना स्टाम्प पेपर ये सब चीजें बहुत दूर की बात है, लोग कुरान पाक उठा लेते हैं। हाँ ये अली ने सही जवाब दिया, रिकॉर्डेड देख लेना, ये चेक कर लो, ये आ गया ग्रे कलर, इसी का ग्रे कलर रस्ट वाला जो मैंने दिखाया था 4500 से डन करेंगे 45। ये दो कलर में अवेलेबल है, साइजेस स्मॉल मीडियम लार्ज, दो कलर में अवेलेबल है, शेफून स्टफ है। हाँ यार मैंने भी यही सुना है, हेयर ग्रोथ बहुत हो जाती है। अरे अनमोल तुम लेट हो गई ना, लेट हो गई, ठीक है ये चेक कर लो, ये दो कलर में 4500 ईच, स्मॉल मीडियम लार्ज। अच्छा जी वीडियो स्ट्रक हो रही है, सबके पास हो रही है, थैंक यू अनमोल आसिम। बाल कैसे करने पता नहीं यार कैसे हुए, लेकिन सब यही कहते हैं इस कंडीशन में हो जाते हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला व्हाट्सएप करना, मल्टी में मिनी फ्रॉक, मल्टी में कौन सी, ये अच्छा जी ये वाला ऑर्गेन्जा के ऊपर है, बड़ा खूबसूरत फैंसी ड्रेस है ये। ये चेक कर लो, ये वाला पूरा ऑर्गेन्जा के ऊपर है, फैंसी ड्रेस है हैवी वर्क के साथ। यू आर स्ट्रांग स्वीट हार्ट, माशाल्लाह आगे भी ऐसे ही स्ट्रांग रहना, आमीन सुमामीन इंशाल्लाह, हालात अच्छे रहे तो, वरना वो जो एक वीडियो मैंने शेयर की थी ना आयशा की, जिसके हस्बैंड का केस चल रहा था, कहाँ पे कोर्ट में केस चल रहा था, उसका मियां भी दूसरी शादी करने के लिए जा रहा था, कोर्ट में केस चल रहा था, वो बेचारी थी तो मुसलमान, इंडिया की थी शायद वो, क्या नाम था उसका, आयशा, कहाँ से हैं आप, मैं कराची से हूँ। कॉटन में हाँ साइज बताओ, साइज बताओ, वरना उसी तरह वीडियो देख रहे होगे आप लोग एक दिन में ही। ये पूरा हैवी वर्क हुआ हुआ इसके ऊपर, नेकलाइन के ऊपर पूरा हैंडमेड है, इतनी स्मार्ट कैसे हो गई, इतनी स्मार्ट ऐसे हो गई कि बहुत दिनों से ना खाया ना पिया इसलिए स्मार्ट हो गई। इसका ट्राउजर, हाँ इमी फरहान उसी की बात कर रही हूँ, डेथ हुई नहीं थी, की थी उसने, वो भी बेचारी ऐसे ही परेशान थी, काफी अरसे ऐसे लड़ती रही लड़ती रही लड़ती रही, आखिर तंग आके जो है ना हार गई। सच है इस कंडीशन में हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वाइटमिन, हाँ बस मैं तो आयरन की मेडिसिन ले रही हूँ उस वक्त। ये आ गया इसका फैंसी दुपट्टा, ये वाला आप लोगों को मिलेगा 5500 का, फैंसी ड्रेस है पूरा हैवी वर्क के साथ है 5500। आ,
5500 का ये वाला, सब दिखा रही हूँ, सारे आर्टिकल दिखाऊंगी वन बाय वन, सब दिखाऊंगी। यार पता है मैं बहुत दिनों से बच्चों का ही सोच रही हूँ, बच्चों का ही इंसान सोचता है, माँ के पास और क्या होता है सोचने के लिए, जब औलाद हो जाती है तो उसकी नजर में शौहर की अहमियत भी कम हो जाती है, सिर्फ उसको बच्चे नजर आ रहे होते हैं। तो अब तक जो मैं सोच रही थी वो मैं सिर्फ बच्चों का ही सोच रही थी। जब आप हॉस्पिटल में थी आई थिंक जब से परेशान है, हाँ जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो अली उसके दो या तीन दिन पहले गए थे, सही, मेरी तबीयत भी इसीलिए खराब हुई थी। मेरी तबीयत भी इसी वजह से खराब हुई थी, प्लस बेबी की पोजीशन ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मुझे स्टिचेस आए थे, और जिसपे अली ने ये कहा कि ड्रामा करिए ड्रामा, और वो उस वक्त पूल में नहा रहे थे, स्विमिंग पूल में नहा रहे थे और कह रहे थे नाटक कर रही है, नाटक नाटक कर रही है पूल में, लोगों को डांस कर करके दिखा रहे थे, स्टेटस लगा रहे थे पूल में डांस कर रहे थे, जिस वक्त अल्लाह माफ करे अली के बेबी की ये कंडीशन थी कि पता नहीं उसको डिलीवर करना पड़ेगा ये अल्लामिया बचाएगा, तो वो उस वक्त पूल में नहाते हुए लोगों को डांस दिखाते हुए कह रहे थे कि नाटक कर रही है नाटक, दो बच्चे मेरे, हाय सी ग्रीन कलर। ये भी सब आपको हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी के साथ मिलेगा। अस्मा खान, अस्मा अब मिला अस्मा आपका मैसेज। सईद खान वालेकुम अस्सलाम, सबके साथ इनर होगा, सबके साथ होगा। हाँ जाहिर है यार आप लोग सब बच्चे थोड़ी हो, समान सबको ही समझ में आ रहा था कि क्या चल रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा यार इंसान अपने मुंह से ही बता दे वो ज्यादा बेहतर है, रोज रोज अजियत लेने से बेहतर है। वालेकुम अस्सलाम आयशा डॉल, तकलीफ ये थी, तकलीफ उनको ये थी कि मैं घर चला रही थी, शायद इस बात की तकलीफ थी कि पूरा घर मैं चलाती थी, हर तरीके से खुश रखा हुआ था, अच्छा रखा हुआ था, ये तकलीफ थी। नंदो को कभी नंद नहीं समझा, बहने समझा था, शायद ये तकलीफ थी। और फादर इन लॉ को जो है वो बाप की जगह दी थी, शायद ये तकलीफ थी। जैसा अपने लिए सोचती थी वैसा उन लोगों के लिए करती थी, शायद ये तकलीफ थी। बस इस तरह की शायद तकलीफें होंगी। ये इसी का दूसरा, तीसरा कलर है, ये इसका दूसरा कलर। शलवार कमीज या लॉन में मिलेगा शलवार कमीज, इसका दूसरा कलर ये रहा, ये दो कलर में 4500। मेंटल हेल्थ पे तो यार असर पड़ चुका है, अब क्या पड़ेगा, अब तो बस आखिरी सीन है। वाजिद राव अगर यही करना होता तो वही बात है ना, इंसान घर बसाने के लिए बहुत सारी चीजें करता है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मैरिड है,
बैगी स्टाइल, बड़ा प्यारा है ब्राउन। हाँ रहते हैं। मैंने जो वेयर किया वो शो करती हूँ। वर्किंग वुमेन हर किसी की होती है, क्योंकि मैं तो कभी यार इस चीज का ताना भी नहीं मारा, अल्लाह माफ करे, मैं तो इस चीज का कभी ताना तक नहीं मारा कि मैं कमाती हूँ या वो नहीं कमाते। बल्कि मेरे पास तो बाखुदा पेट में मेरे बच्चा झूठ नहीं कह रही कि अगर अली कहीं बाहर चले भी जाते थे ना, तो पीछे से मैं अपने पास एक 10 रुपए भी नहीं रखती थी कि अगर कोई मेहमान आ जाए तो चाय पानी के लिए भी मुझे अली को बोलना पड़ता था कि वापसी पे लेते हुए आना। यानी मेरे एटीएम कार्ड क्या हर चीज उनके हाथ में थी, अल्लाह गवाह है। अपने पास मैं एक 10 रुपए भी नहीं रखती थी, सोचती थी मुझे करना क्या है, सारी चीजें तो जाहिर है बाहर की इन्होंने देखी है, तो मुझे क्या करना है पैसे अपने पास रख के। खैर अल्लाह हिदायत दे। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। मदीहा आप, मैं लाइव आ गई आ गई आ गई, फलक में आ गई। यस मैं पाक में हूँ। ये देख लो, ये आ गए बैगी स्लीव्स, ठीक है, पेपलम स्टाइल है, बैगी स्लीव्स है। ये सब हैंडमेड हुआ हुआ है इसके ऊपर। क्या व्हील चेयर पे है, क्या नहीं समझ आया क्या लिखा है। ये चेक कर लो, ये इसका ट्राउजर आ गया। यार कमेंट तेजी से भाग रहे हैं, किसी का नहीं पढ़ पाई ना तो बार बार मुझे कमेंट करते रहो ताकि पढ़ लूं। ये इसका ट्राउजर, ये इसका दुपट्टा, ये इसका ट्राउजर और ये इसका दुपट्टा। ब्लैक दिखाना ये वाला। यार ये वाला जो है बॉटल ग्रीन है जो मैंने पहना हुआ, ये नेवी ब्लू है, ये ब्लैक है, मीडियम और लार्ज में मिलेगा ब्लैक। हमारे लिए लाइफ मत छोड़ो, उन लोगों को खुद। हाँ फिलहाल अभी एक महीने तक तो मैं इंशाल्लाह लाइव आऊंगी, एक महीने तक तो मैं इंशाल्लाह लाइव आऊंगी, एक महीना लाइव करूंगी। ब्लैक भी शिफॉन के ऊपर है। थैंक यू सो मच सैमा। हाँ ये हकीकत है, मैं तो वाकई ही रखती थी। जानी लाइट ग्रीन में है कुछ, लाइट ग्रीन तो नहीं, बॉटल ग्रीन ही है, लाइट ग्रीन में है कुछ, बॉटल ग्रीन ही है, लाइट ग्रीन तो नहीं है। ब्लैक कलर, ये सब हैंडमेड हुआ हुआ है, ये शेफून में ही है यार, शेफून में ही है। मुझे बताएं मेरे बहुत बाल। यार बालों के लिए तो मैं ऑयल ही यूज कर रही हूँ, हेयर ऑयल। ये इसका ट्राउजर, ये इसका शिफॉन का दुपट्टा। व्यू कितने हैं मेरे पास, शायद स्ट्रक हुए हैं, व्यू बताना कितने आ रहे हैं, स्ट्रक हुए हैं। नहीं सईद खान अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने अब बाकी घर में होते हैं। ये चेक कर लो ग्रीन कलर, ये भी बड़ा अच्छा ड्रेस है और माशाल्लाह हॉट सेलिंग आर्टिकल है। 22 मिलेगा दिया खान, 22। ब्लैक लॉन वाला नहीं है, ब्लैक भी शिफॉन पे था। अस्मा ख्याल होता तो क्या ही बात होती ना, ख्याल होता तो क्या बात होती।
मुझे किसी चीज का दुख नहीं है। वो दूसरी शादी करते तीसरी शादी करते इस बात का दुख नहीं है। मुझे छोड़ के जाते हैं मुझे इस बात का दुख नहीं है। किसी चीज की तकलीफ नहीं है। तकलीफ सिर्फ इस बात की है जो शायद जिंदगी भर रहेगी। के अली ने अपने जो जाने का वक्त है ना वो गलत चुना। गलत वक्त पे साथ छोड़। बाकी किसी चीज का दुख नहीं है। लड़कियों के चक्कर तो वो तो मैं शुरू से ही देख रही हूँ। बहुत सारे लड़कियों के चक्कर मुझे पता भी थे, वो तो मैं शुरू से बर्दाश्त कर ही रही थी। लेकिन जो ये वक्त था ना ये बहुत गलत वक्त था। कहते ना इस कंडीशन में मैंने जानवर पाले, बिल्लियां पाली हैं, मैं उनको देखती थी किस तरह वो संभाल संभाल के ना चलती हैं अपनी औलाद को। तो कोई इंसान जानवर भी पालता है ना उससे भी मोहब्बत हो जाती है। कुत्ता पालते हैं लोग, कुत्ते को नजिस जानवर कहते हैं, मना फरमाया घरों में रखना, लेकिन इंसान कुत्ता पालता है ना उससे भी मोहब्बत हो जाती है। वक्त बहुत गलत चुना। ये ऐसा वक्त होता है इंसान सारी जिंदगी याद रखता है। लोग दुआएं मंगवा रहे होते हैं मुझे यकीन करो हजारों मैसेजेस आते हैं रोजाना, हजारों, बहुत सारे लाइव में भी अभी देख रहे होंगे मुझे। मैसेंजर पे लोग मैसेज कर रहे होते हैं, हमारे इतने साल हो गए, 25 साल हो गए औलाद नहीं है। कोई कह रहा होता है हमें 20 साल हो गए औलाद नहीं है, आप हमारे लिए दुआ करना। हर किसी का मैं रोजाना एक दो मैसेजेस रिसीव कर रही होती हूँ सिर्फ इस चीज के लिए कि आपकी ये हालत है, आप ना इस कंडीशन में हमारे लिए दुआ करना। लाइव में इतने सारे लोग जो है वो दुआ करवा रहे होते हैं मुझसे कि आप इस हालत में अल्लाह पाक आपकी दुआ सुनेगा। और मैं उन लोगों के लिए यकीन करो दिल से रोज मेरे बद्दुआएं निकलती हैं जिन्होंने इस हालत में साथ छुड़वाया है। रोज दिल से बद्दुआ निकल रही होती है। सिर्फ इसीलिए कि वक्त गलत था, वक्त गलत था। खैर एक और आर्टिकल शो कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल दिलशाद जरूर। हाँ यही तो मदिया जकी, इसीलिए तो कह रही हूँ ऐसे वक्त में ही इंसान की वफादारी का पता चलता है ना। मेरे जहन में क्या आ रहा है, सिर्फ यही आ रहा है यार जो शख्स अपनी औलाद का नहीं हुआ तो वो मेरा क्या होगा बाद में।
मेरे लिए तो मेरे जहन में तो यही बात आ रही है ना, जो अपनी औलाद का नहीं वो मेरा क्या होगा, मेरी औलाद नहीं है, दुआ करते हैं। अब से अल्लाह पाक आपको सेहत सलामती के साथ नेक औलाद दे। नहीं नहीं बिनते, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी, सारा सैयद बस क्या करे, कभी रोती नहीं हूं मैं, ना कभी देखा होगा, बस अब बहुत हो गई यार, थक गई। खैर लेकिन आप लोगों से मेरी अभी भी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे बाद ना आप लोगों ने जो मेरा वो लाइव होगा ना आखिरी, छोड़ना नहीं आपने, आप लोगों ने किसी को भी, मैं तो खुलेआम कह रही हूँ, सबके सामने कह रही हूँ, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, मेरे खानदान वाले भी, वो लोग भी। हकीकत है बेबी होने के बाद अगर हमारा रिश्ता खत्म हो गया, सिलसिला खत्म हो गया, तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी, ये हकीकत है। बाकायदा मैंने पेपर लिख के रखे हुए कि उसका जिम्मेदार कौन कौन होगा। बस आप लोग इंसाफ करिएगा बाद में, नहीं यार थोड़ा ध्यान बढ़ जाएगा मेरा ना, ये वाला आप लोगों को मिलेगा 4500 का, 4500 का मीडियम और लार्ज। रूबी भी अगर मेरे माँ बाप होते तो मुझे यहाँ पे रोने की जरूरत थोड़ी पड़ती। बहन भाई अल्हम्दुलिल्लाह हैं, लेकिन माँ बाप नहीं है, माँ बाप होते तो फिर तो जरूरत ही नहीं थी। आमीन सुम्मा आमीन। मूव कलर पता है इंसान को तकलीफ सबसे ज्यादा क्यों हो रही है, मुझे तकलीफ क्यों हो रही है, क्यों? जब आप किसी इंसान के लिए इतना करते हो ना, इतना, किसी के लिए कुछ नहीं किया हो ना, समझ में आता है। बच्चे उनके भी तो होंगे ना, संभालेंगे वो, संभालेंगे वो। ये इसका ट्राउजर, ये वाला भी आप लोगों को मिलेगा 4500 का। ये बात हकीकत है, इन तीन महीनों में अहमद को तो मुझे लग रहा है जैसे मैंने वाकई जवान कर दिया। अहमद की बातें, अहमद की चीजें, अब अहमद का मेरा ख्याल रखना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इन तीन महीने में अहमद माशाल्लाह जवान हो गया। आयशा डॉल, मेरे पास पता है, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास वर्ड नहीं है, इतना किया है, अल्फाज नहीं है, मुंह पे लेने अच्छी बात नहीं है, लेकिन वाकई अल्फाज नहीं है। यार प्राइस रेंज ऐसी ही होगी, फैंसी आर्टिकल की प्राइस रेंज यही होगी।
टेल स्टाइल में मिलेगा ब्राउन कलर। आमीन सुमामीन। ये इसका प्लाजो, ये भी जामावार पे है। ₹4500 का। वालेकुम अस्सलाम। नहीं यार इसमें कलर नहीं है, एक ही कलर था। मैं किसके घर में रह रही हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में रह रही हूँ, अपने घर में ही रह रही हूँ। अब रे सुकून तो होगा ना। सुकून तो होगा ना। आमीन सुब आमीन मशहूद अहमद। अच्छा ये वाला शेफून का आर्टिकल मीडियम और लार्ज साइज में मिलेगा ₹4800 का। थैंक यू सो मच शमाइला। आमीन सुब आमीन। 14 अगस्त नहीं भाई अजबा, वो 14 अगस्त वाला लास्ट ईयर का सेशन था, लास्ट ईयर का था। ₹14 अगस्त का जो सेशन था वो लास्ट ईयर का था, वो रिपीट हुआ था। ये वाला मीडियम और लार्ज 4800 का रस्ट गोल्डन कलर। आमीन सुब आमीन। आमीन सुब। ये इसका ट्राउजर आ गया। आप कमजोर मत बनो। कमजोर नहीं हूँ यार, बस क्या करूं, 3 महीने से हिम्मत करके आ रही थी ना सामने, 3 महीने से चल रहा है ये सिलसिला। तो ये वाला आप लोगों को मिलेगा 4800 का। आज आप अपने माँ बाप को याद कर। ऐसे लोगों का अल्लाह बहुत लंबी जिंदगी देता है और छूट देता है। उसमें स्मॉल मीडियम लार्ज, स्मॉल मीडियम लार्ज लॉन के भी दे दो, ग्रे वाले दे दो। परिया अल्लाह पाक आपको सबर दे, हिम्मत दे। बच्चों के खातिर बिल्कुल कर रही होंगी, लेकिन अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बताया। मैं इंशाल्लाह वक्त आने पे बहुत कुछ बताऊंगी, इसीलिए कंट्रोल कर रही हूँ कि शायद अल्लाह मियां हिदायत दे दे, इसीलिए बस। मेरे SMS मिल रहे हैं कैसे दी की। हाँ बोलो, पहना है उसके प्राइस, हेरा मैंने जो पहना है 4800 का है। ये ऑरेंज फिर से दिखा दो एक दफा।
दिखा रही हूँ, दिखा देती हूँ। ग्रे कलर, ये वाला ड्रेस भी बहुत अच्छा है। साइजेस क्या है इसमें? अच्छा, इसमें ना एक्सेल किसी को चाहिए तो एक्सेल साइज मिलेगा इसमें, 23 चेस्ट साइज। हाँ खैरियत है, इतने दिनों बाद, तबीयत ठीक नहीं थी। पैरेट ग्रीन, हाय हाय, ये वाला आर्टिकल साइज इसमें एक्सेल भी मिलेगा, अगर किसी को 23-24 चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। बहुत अच्छा लगता है ये वेयर करने में। यह मैसेजेस बहुत तेजी से भाग रहे हैं, किसी के रिसीव हो रहे हैं, किसी के नहीं हो रहे। अगेन अगेन करते रहो ताकि मिल जाए मुझे मैसेजेस। ठीक है, ये वाला इस तरह से काफी बड़े फ्लेयर के साथ है। नेकलाइन भी चेक कर लो, ये इसका आ गया ट्राउजर। ये 3500 का। हाँ अदीला, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, मेरी माँ बहुत स्ट्रांग थी। सारे ही मैंने इतने कोई हैवी काम वाले नहीं दिखाए, लाइट ही दिखाए। ये देख लेना, मीडियम और लार्ज साइज में मिलेगा। मदिया इकराम, इंशाल्लाह उसको तो मैं पाया तकमील पे पहुंचाऊंगी, जो किसी का घर खराब करके अपना घर बसाए, कभी भी उसका घर आबाद नहीं होता, कभी भी नहीं होता। व्हाट्सअप कर देना स्क्रीनशॉट के साथ, जिसको जो भी डन करना हो कंप्लीट एड्रेस डिटेल के साथ। बिल्कुल बिल्कुल मिल्टन, ये तो नहीं पता अभी मुझे क्या होना है, बेबी बॉय होना है कि बेबी गर्ल होनी है, ये नहीं पता मुझे। इसमें साइज क्या बचा? एक ही पीस है, इसमें स्मॉल साइज बचा हुआ है, जैकार्ड के ऊपर है। अल्लाह, ना लेकिन ये है हकीकत कि मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ अब इस कंडीशन में। आप लोग भी सब दुआ करना, पहले मेरी ख्वाहिश थी बहुत कि अल्लाह पाक बेटी दे दे, बेटी दे दे, बेटी दे दे, ताकि हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए। दुआ थी मेरी, बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक कोई ऐसा मुआवजा कर दे कि जो है बेटा हो, बेटा हो, मुझे दोबारा से अल्लाह पाक बेटा दे ताकि मुझे देते हुए तकलीफ ना हो।
दिल से दुआ है मेरी कि अल्लाह पाक बेटा ही दे ताकि मुझे ना परेशानी ना हो बाद में। सारे अल्लाह पाक आपको सेहत सलामती के साथ साथ खैरियत के साथ औलाद दे। आमीन जुमामीन। थैंक यू सो मच अदीला, थैंक यू सो मच अदीला। ये भी हकीकत है कि वाकई मैं जो है आपकी बातों की वजह से लाइव खड़ी हुई हूँ आज, वरना मैंने सोच लिया था आज आपकी बातों की वजह से ही जो है आज मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। सायरा इंशाल्लाह जरूर देगा, इंशाल्लाह जरूर देगा। ये वाला सिर्फ स्मॉल साइज में। ये आ गया इसका ट्राउजर। इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। हाँ मगर ये जरूर सोचा करो, अल्लाह ने अगर औलाद अभी तक नहीं दी ना तो उसके पीछे भी कोई ना कोई मसलियत होगी, जब ही नहीं दी। बस ये हमेशा दुआ किया करो कि अल्लाह पाक औलाद दे, नसीब अच्छा करे उसका, सेहत सलामती के साथ दे, उसके हाथ पैर किसी चीज का नुक्स ना हो उसके अंदर। इस तरह अल्लाह पाक औलाद दे सेहत सलामती के साथ। आमीन सुम आमीन। यशपा अहमद को तो मैं अपने पास ही रखूंगी। अच्छा जी, लॉन्ग काटी कितने पीस है? एक ही है। बाईस तेईस चेस्ट साइज वाले डन कराएंगे, लॉन्ग नहीं है। 22 और 23। हाँ इसीलिए तो कह रही हूँ कि मैं तो वाकई अब दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक कोई ऐसा मुआवजा कर दे कि अल्लाह पाक मुझे बेटे से ही नवाजे, बेटी ना दे, क्योंकि बेटी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है जो मैं शायद नहीं ले सकती। यार पुलिस वुलिस की कहानी, पुलिस वुलिस करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। पुलिस वुलिस औरत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वही बात है ना, रिश्ते निभाने के लिए इंसान इस हद तक नहीं जा सकता। पुलिस वुलिस करना कोई बड़ी बात नहीं है, पुलिस वालों के लिए औरत का एक आंसू ही काफी होता है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी, इंसान को जहां निभाना होता है ना तो वहां पर वो ये सब चीजें नहीं करता। हाँ इंशाल्लाह हयात, इंशाल्लाह। हाय हाय, हाँ 22 और 23 जिसका चेस्ट साइज है वो ये डन करा सकते हैं, लॉन का आर्टिकल है लॉन। पाइपिंग वर्क लेस वर्क के साथ स्टिच है, अगर बेटी हो तो मुझे दे देना। यार बेटियां पता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बस ये वजह है। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं अस्मा, अभी हाँ अरहम सोचा तो मैंने यही है। इंशाल्लाह राहिला, इंशाल्लाह। ये आ गया इसका ट्राउजर, ये वाला आपको मिलेगा 3200 का शेफोन दुपट्टा, 22 और 23 चेस्ट साइज है लॉन्ग में।
आमीन सुमामीन सना खान। ये भी 22-23 चेस्ट साइज वाले डन कराएंगे, 22 और 23 ग्रीन कलर। थैंक यू सरीन। अल्लाह करे नरीमा, अल्लाह करे। नहीं यार, किसी को क्यों दूंगी अपनी औलाद, किसी को क्यों दूंगी, उसके बाप को ही दूंगी, किसी और को क्यों दूंगी। 3200 का हमारा अर्शद, 3200 का। हमारे यहाँ 5 साल से औलाद नहीं। अल्लाह पाक आपको ने 1 साल औलाद दे। साइजेस लास्ट है, क्या हो गया, सारी एक एक बच्चे हैं क्या? 22 चेस्ट साइज वाला एक बंदा डन करेगा, 22 चेस्ट साइज वाला। वालेकुम अस्सलाम अम्मा, कैसी हैं आप? इन्होंने भी बहुत हिम्मत दिलाई, डॉक्टर रुखसाना, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम हिना। 22 चेस्ट वाला एक बंदा डन करेगा। मेरी शादी को 7 महीने हो गए हैं। सायरा भी तो एंजॉय करो यार, एंजॉय करो अभी। ऐसे बंदे को अल्लाह की नेमतों के काबिल बेटी। एक्सेल डबल एक्सेल शहजाद हारून मैंने दिखाए हैं, डिलीवरी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ होगी इंशाल्लाह। बेटी हुई तो अपने पास रखना, अल्लाह की रहमत साये में रहेगी। बिल्कुल 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 इंशाल्लाह। व्हाट्सअप कर देना हमारा। ये वाला भी आप लोगों को 22 चेस्ट साइज में मिलेगा, पाइपिंग वर्क लेस वर्क के साथ स्टिच होगा। ये इसका ट्राउजर एंड दुपट्टा 3200 का। स्क्रीनशॉट लेते जाना, अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, बस मैं सेशन कर रही हूँ, लेकिन मेरा अभी दिमाग बिल्कुल सुन है। साइज़ बिल्कुल गुजरात अहमदाबाद इंडिया वाला नहीं होगा, पाकिस्तान में हो जाएगा, गुजरात में। इंडिया वाला है। अल्लाह तुम्हें खैरियत से फारिग करे, टेंशन मत लो, मैं आऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर आइएगा, जरूर जरूर जरूर, बहुत सख्त जरूरत है मुझे।
बिल्कुल फिजा दानिश, आमीन सुम आमीन, आमीन सुम आमीन। ये वाला पैनल जो है ये एम्ब्रॉयडर्ड है, ये पैनल एम्ब्रॉयडर्ड है। ये वाला आपको सिर्फ मीडियम साइज में मिलेगा। हाँ मरियम फ्री डीसी के साथ है। नहीं है, है ना, नहीं नहीं अभी नहीं की। ये वाला मीडियम साइज 21 चेस्ट साइज, ये इसका ट्राउजर आ गया। हाँ फिजा दानिश मिल रहे हैं, कमेंट मिल रहे हैं, फातिमा आमीन सुमामी बिल्कुल मिल रहे हैं। ये इसका दुपट्टा आ गया और ये इसका शर्ट आ गई। आजकल धोखा देने हो गई है यार, मैंने बहुत किस्से कहानियां सुन रही हूँ, अल्लाह माफ करे, बहुत किस्से कहानियां सुन रही हूँ मैं इस तरह की। वैसे आजकल रोना नहीं, स्ट्रांग बनो। हाँ अब तो मैं हो गई स्ट्रांग बहुत, कुछ दिनों से तो बहुत हिम्मत कर रही हूँ। कोड अवेलेबल है, बिल्कुल है नाली, कोड अवेलेबल है। 3200 मरियम फ्री डीसी है, 3200 का जो मैंने लॉन के दिखाए है ना, लॉन वाले 3200 के, ब्लैक कलर शेफोन फैब्रिक। ये आपको अलिया खान सही कह रही है, नजर भी लगी है, कोई शक नहीं है इसमें। लोगों को हजम नहीं होता था ना हमारा हंसना, ना खेलना, ना कूदना, हसद जलन हद से ज्यादा थी इसमें, कोई शक नहीं है। नजर बहुत बुरी चीज है, नजर भी है इसमें, कोई कोई शक नहीं है। ओके उमेरा थैंक यू यार। सानिया अब ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि औलाद आ जाती है तो रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो चार चार पांच पांच बच्चे होने के बाद भी छोड़ देते हैं, तो मर्द जात पे अब एतबार है ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये बात है ही नहीं कि रिश्ते जो है वो मजबूत हो जाते हैं, लोग औलाद होने के बाद भी छोड़ देते जिन्हें छोड़ना होता है। हेलो, इस पे सब हैंडमेड का स्टोन वर्क भी हुआ हुआ है, सब स्टोन वर्क, पर्ल्स वर्क हुआ हुआ है। इसकी बैक फ्रंट बोथ एम्ब्रॉयडर्ड है, फ्रंट और ये बैक शिफॉन के ऊपर है। ये वाला ब्लैक वन 45, थैंक यू सो मच। बिल्कुल करते हैं डिलीवर, इंडिया में नहीं होता। हाँ नजरे बद हकीकत है, ये बात तो है। नजरे बद क्या, मैं तो आप लोगों को पिक्चर पोस्ट करूंगी इंशाल्लाह लाइव से फ्री होके। नजरे बद नहीं हुई हमारे ऊपर, बहुत बड़ी बड़ी कहानियां की हैं लोगों ने, अल्लाह माफ करे, घर खराब करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। मैं पिक्चर पोस्ट करूंगी, उसमें देखना आप लोग किसने क्या किया, और अल्लाह मियाँ उसका बेड़ा गर्क करे, उसकी नस्ल दर नस्ल 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 नस्ल, उसके आने वाली हजारों नस्लों के साथ भी अल्लाह पाक वही करे जो हमारे साथ किया गया है, जिसने भी किया है। मैं उसमें अपने आप को भी शामिल कर रही हूं, मेरी तरफ के लोग हैं उनको भी शामिल कर रही हूं, चाहे वो एक्स वाई जेड कोई भी है, मैं अपने आप को भी, क्योंकि मुझे सुनने को मिली थी कि शायद वो चीजें मैंने खुद की हैं, तो मैं अपने आप को भी शामिल कर रही हूं कि अल्लाह पाक नसल दर नसल के आगे लेकर आता ही रहे वो चीज। इंशाल्लाह लाइव के बाद पोस्ट करूंगी। नजर तो शायद छोटा वर्ड है जो लोगों ने हथियार आजमाए हैं, हॉस्पिटल का बताना मैं आऊंगी इंशाल्लाह। ओके फरीदा, फरीदा हॉस्पिटल है मेरा, मेन डीएचए फेज वन है, मेन रोड पर ही है डीएचए फेज वन के लाइफ केयर हॉस्पिटल, इंशाल्लाह वहां पर होगा जादू टोना। और हम हाँ बिल्कुल वही दिखाऊंगी मैं इंशाल्लाह, लगाऊंगी कि क्या हुआ। आमीन सुमामी नेरा, आमीन सुमामी। ग्रे कलर, ये भी बड़ा प्यारा ड्रेस है, कितने पीस है। ये भी रिटर्न पार्सल आया हुआ किसी का, मोहतरमा में चार सूट डन करवाए थे जो कि पिकनिक की है, मीडियम साइज में अवेलेबल है ये,
मीडियम साइज। नहीं यार 2000 की रेंज में नहीं है। इस ब्लैक में कौन से साइजेस है? ब्लैक में स्मॉल मीडियम लार्ज। गुजरात पाकिस्तान में मिल जाएगा। आमीन सुमामीन। हाँ मम्मा पोस्ट लगाऊंगी इस पे तो 100,000 दफा आप लोग आमीन बोलना, मुझे बहुत खुशी होगी, सुकून मिलेगा। 100,000 दफा मुझे उस पोस्ट पे आमीन चाहिए आप लोगों का। मेरा बेटा का नबिया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा मेरे पास है, अभी तक दोनों बच्चे मेरे पास हैं। नहीं यार वफा क्या नाम है, आपको पता है सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही थी तो मेरा अभी कहीं पर भी दिमाग नहीं था, ना वर्कशॉप पे दिमाग था, कहीं पर भी नहीं, ना एम्ब्रॉयडरी पे दिमाग था, कहीं पर भी अभी मेरा काफी दिनों से दिमाग नहीं था। अब मैं थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कल परसों से स्टार्ट करूंगी। आज मैनेज कल दिया है, कल दूंगी इंशाल्लाह विंटर का ऑर्डर। ग्रेवी डन, हमारा व्हाट्सएप कर देना, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना यार। मदीहा मेरे मैसेज मिले, मदीहा जकी बिल्कुल आपके मैसेजेस मुझे मिल गए। और मदीहा मुझे व्हाट्सएप करना, मुझे आपसे एक बात करनी है। आपको मैंने जाने अनजाने में एक दफा डांट दिया था, गुस्सा कर दिया था, शायद आप मुझे नहीं जानती लेकिन मैंने आपको पहचान लिया था। अगर आप मदीहा जकी वही हैं जो रेलवे बुकिंग ऑफिस में जॉब करती थी, तो फिर मैं आपको याद दिलाऊंगी एक बात, शायद आपको याद आ जाए। मैंने बहुत बहुत पहले से आपको पहचान लिया था लेकिन कभी मैंने डिस्कस नहीं किया, तो आज मुझे याद आई परेशानी में आपका कमेंट देख के। अगर आप रेलवे वाली बुकिंग ऑफिस वाली हैं मदीहा जकी, तो मुझे व्हाट्सएप या मैसेंजर जरूर करना। ये बिजनेस आपका है आपके हस्बैंड का? अल्हम्दुलिल्लाह रुखसार, ये बिजनेस मेरा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कौन रहता है अभी? यार वैसे तो मेरे साथ कोई नहीं रहता था, और ना इन लॉज में से ना जो है वो मेरी फैमिली की तरफ से, लेकिन ये है कि आजकल मेरी कंडीशन सबको ही पता है कंडीशन क्या है, तो मेरे भाई भाभी जो है वो मेरे पास रुके हुए हैं। जब तक कि मेरा ये सिलसिला कुछ एक तरफ नहीं हो जाता, बेबी का भी एक तरफ नहीं हो जाते मामला, तो जब तक मेरे बड़े सबसे बड़े भाई और भाभी उनके बच्चे सब वो मेरे साथ ही है अभी। और वह अच्छा जी टेक केयर, थैंक यू सो मच सिद्रा। ग्रे वाला था 4000 का, ग्रे वाला 4000 का। हाँ यार मैं बैठ रही हूँ क्योंकि मैं थक चुकी हूँ, बैठ रही हूँ मैं ना, इधर रख देना चेयर, मुझे पानी भी दे दो। मैं कहाँ खूबसूरत हूँ यार, तुम लोगों को ऐसी खूबसूरत लगती हूँ मैं कहाँ से खूबसूरत हूँ, ना मेरी शक्ल है ना सूरत है। कहाँ खूबसूरत लगती हूँ ससुराल वालों से पूछो मेरे, ना शक्ल की ना सूरत की। बिस्मिल्लाह फातिमा, अभी अल्हम्दुलिल्लाह भाई और भाभी लोग जो हैं वो मेरे साथ ही रुके हैं, जब तक कि डिलीवरी नहीं हो जाती जब तक वो लोग साथ ही हैं, क्योंकि जाहिर है कभी भी हॉस्पिटल भागना पड़ सकता है और तो कोई साथ है नहीं, इसीलिए बाकी सब अपने अपने घरों के। दिया दिल वालेकुम अस्सलाम। मदीहा क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक है। अच्छा जी क्या रीड करूं,
उनके भाई बहनों को। यार कमेंट ऊपर चला गया, बातें कर रहे हैं, रहने दे अभी। हाँ यही सोच रही हूँ, थक गई, कमर में दर्द हो रहा है। वजीफे यार मैंने पढ़े हैं, वजीफे बहुत कर लिए, वजीफे भी कर लिए, दम दरूद कर लिए, पढ़ाइयाँ करवा ली घर में कि अल्लाह मियाँ उनको हिदायत दे दे, आयते करीमा करवा लिया घर में कि अल्लाह मियाँ हिदायत दे दे उनको, अक्ल ठिकाने ले आए, मोहब्बत प्यार डाल दे अपनी औलाद के लिए, सब कुछ कर लिया। लेकिन वही बात है ना, कहना नहीं चाहती मैं, आप एक अच्छी हसीन औरत हो, अच्छी माँ, मेहनत करती हो। नहीं यार ये चीजें कहाँ नजर आती किसी को। इसमें यार एक ही कलर है, आमीन सुम आमीन। नहीं सीरत उन्होंने समझाया नहीं, उन्होंने बोला आ जाओ बेटा बैठ जाओ, अब आए हो तो वापस कभी मत जाना। उन्होंने समझाया नहीं है, उन्होंने ये बोला है कि अब आए हो तो अपने आप को मजबूत करके बैठ जाओ, अब अगर तुम वापस गए तो क्या हमसे ताल्लुक वास्ता नहीं रखना, ये बोला उन्होंने। सही कह रही प्रिशस, बिल्कुल सही का। ग्रे वाला उमर 4000 रुपीज का था। मदीहा ब्लैक ट्राउजर बताया तो वफा। सोचो मेरा दिल क्या कर रहा होगा सारा। कंडीशन में आप टेंशन नहीं लें यार, जितनी लेनी थी वो तो मैंने ले ली। अब कोई माँ नहीं चाहती यार अपनी औलाद को अपने आप से जुदा करना, कौन कौन माँ चाहेगी। मैंने तो आज तक ऐसी कोई माँ नहीं देखी। लेकिन वही बात है ना, वक्त और हालात इंसान को इतना मजबूर कर देते हैं। मैं होंगी नहीं तो जाहिर है उसी के उसी ने संभालना है ना। हाँ फातिमा अभी तक तो यही कर रही हूँ। सलमा 23 शैफून में नहीं मिलेगा, सलमा 23 शैफून में नहीं होगा, शैफून में लार्ज होता है, बस 22 चेस्ट साइज होता है। हाँ यार अहमद तो बहुत हद से ज्यादा डिस्टर्ब है, शायद मैं भी इतनी डिस्टर्ब नहीं हूँ जितना अहमद डिस्टर्ब है, और कोई दिन ऐसा नहीं है जो अहमद डिस्कस ना करता हो, कोई दिन ऐसा नहीं है। वालेकुम अस्सलाम गजाला रियाज, वालेकुम अस्सलाम। अभी तो बताया वफा के नहीं जा पाई मैं ना, तो इस वजह से नहीं आ सका स्टॉक अभी। अच्छा जी थैंक यू विनेश। 22 हिप साइज तो मिल जाएगा, जो जिसका चेस्ट साइज 20 होगा हिप साइज उसका 22 होगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सलमा अली अब मैं ठीक हूँ। गजाला वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम सज्जाद। बता दें फिर सुना नहीं डियर, मैं ये कह रही थी पिछले दिनों काफी मैं डिस्टर्ब थी, तो मैं ना वर्कशॉप जा सकी
ना कोई स्टॉक आ सका ना जा सका, आज सिर्फ फैंसी वाला स्टॉक रेडी होके आया तो मैंने लाइव कर दिया। बाकी जो अभी मजीद स्टॉक आना है खद्दर का उन सब का, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। आज से समझो मैंने लाइव स्टार्ट किया, वरना तो मैं बिस्तर पर ही थी। अच्छा जी, बच्चे रुल जाते हैं कसम से, बिल्कुल सही कह रही है राबिया, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। हाँ सहमा, जरूर बताओ जरूर बताओ। डबल एक्सेल मैंने दिखाए जो थे ना, डबल एक्सेल लॉन में वो मैंने दिखाए हैं, डबल एक्सेल जो था मैंने दिखाया है। व्हाट्सएप नंबर नीचे पिन हुआ हुआ है, कंपनी डिटेल्स विद स्क्रीनशॉट भेज देना। 22 चेस्ट साइज जो उनका हिप्स, जो 22 चेस्ट साइज होगा, अगर आप फैंसी में लोगे तो फैंसी के ज्यादातर ए लाइन शेप में, तो वो फ्री साइज है। नहीं मेरी सास नहीं है। किंजा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम सारा सलमान, वालेकुम अस्सलाम। सही कह रही हो प्रिशस, मेरे घर वाले भी यही कहते हैं, मेरे बहन भाई भी यही कहते हैं। गिरे वाला शो कौन सा वाला गिरे यार, गिरे किसी ने डन करा लिया क्योंकि वो एक ही पीस था मेरे पास। नहीं इस बार अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये चेक कर दो, एसी बंद कर दो। आमीन। ये वाला कौन सा वाला है, वो जो मैं कह रही हूँ जाने वाला है, ये वो है। हाँ ना ये जाने वाला है। नहीं नहीं ये जाने वाला, ये एक ही पीस है ना, जाने वाला है। यकीन नहीं आ रहा, इनोसेंट हाँ नजर लग गई यार, क्या करें। हाँ मेरी बहुत फेवरेट, थैंक यू लवली आमना, 22 चेस्ट साइज में दिखा दे, एक दो दे दो ये वाली पीस। स्मॉल साइज किसकी यार, वो वाला डन हो चुका, 5500 का था वो, 5500 का था। लंदन जा रही हूँ मैं लाइव छोड़ के, मान लमिया मिलेंगे मुझे। अहमद बहुत प्यारा है, खुदा उसे हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुमामीन। अहमद तो माशाल्लाह मेरा बड़ा हो गया, स्पेशली ये 3 महीने में, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया। उसकी बातें अगर कोई सुन ले ना, आप लोग हैरान हो जाओगे वो क्या क्या बातें करने लग गया। मैंने जो पहना सलमा 22 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 22 मिलेगा। ब्लू लॉन वाला, अच्छा मैं दिखाती हूँ, ये सिर्फ स्मॉल साइज में, इसका ट्राउजर गरारा लुक है, कॉटन लॉन स्टफ है, स्मॉल साइज। मैं अंधी थी नहीं, अंधी हो गई थी, वो शुरू से सिंसियर नहीं थे आपके साथ, वही बात है ना यार। अब ये तो बस रहे कि इंसान को पता चलता है या बस के पता चलता है कि सिंसियर कौन निकलेगा कौन नहीं निकलेगा, पहले नहीं पता होती ये चीजें कि कौन कैसा निकलेगा, लेकिन फिर भी अल्लाह मियां हिदायत दे।
मामा का सहारा बन गया अहमद। वाकई अलीना मैं हैरान होती हूँ अहमद की, अगर आप लोग बातें सुन लो ना अभी, अहमद मुझे ऐसा लगता है कोई मेरा जवान बेटा मेरे साथ है, कोई शक नहीं है इसमें। अहमद इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है अब मेरे साथ कि आप लोगों की सोच होगी। करता वो अहमद को अली को कॉपी है बीबी, मुझे स्टेयर से हाथ पकड़ के लेकर आएगा, हाथ पकड़ के बाथरूम लेके जाएगा, कहीं मैं बाहर जा रही होंगी तो मम्मा ध्यान से जाना, ख्याल से आना वापस, देखना लग ना जाए आपके पेट पे, इस तरह की वो बड़ी बड़ी बातें करने लग गया है। सही बात है, बिल्कुल सही कह रही हो आयशा डॉल, बिल्कुल सही कह रही हो। लेकिन वाकई अब मुझे बहुत अच्छा लगता है अहमद के साथ, मतलब मुझे बहुत खुशी होती है देख देख के उसको कि यार माशाल्लाह 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 मेरा बेटा इतना समझदार है। मुझे चुप कराता है, मम्मा रो नहीं, जैसे ही देखेगा आंसू निकल रहे हैं फौरन आके साफ करने लग जाएगा। गिरे वाला यार दिखा देना मुझे एक दफा। वालेकुम अस्सलाम नाजिश खान, कमेंट अगर किसी का रीड नहीं हो पा रहा तो बहुत तेजी से भाग रहे हैं इसलिए रीड नहीं हो पा रहा। अच्छा जी ये देख लो यार गिरे वाला, ये तो है अहमद बहुत केयर करता है, जो बात है मोहब्बती भी बहुत है, बहुत मोहब्बती है और इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है माशाल्लाह से। उस दिन मुझे कह रहा है क्या बात हो रही थी, हाँ मैं ना मगरिब का टाइम हो रहा था, रो रही थी और मेरे ना दिल से बद्दुआएं निकल रही थी किसी के लिए, अल्लाह माफ करे, तो मैं ऐसी बद्दुआएं दे रही थी वो सुन रहा था रोते रोते, कह रहे मम्मा बुरी बात, किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए बुरी बात होती है। तो मैंने उससे कहा कि मैंने कहा अहमद अगर कोई आपकी मम्मा के साथ गलत करे तो क्या उसको बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, नहीं मम्मा माफ कर देना चाहिए। मैंने कहा तो क्या करना चाहिए उसके साथ, कह रहे मम्मा माफ कर देना चाहिए। इतना समझदार हो गया मेरी भाभी भाई भतीजी, हम लोग सब साथ ही बैठे हुए थे तो सब इतना हैरान हो रहे थे उसकी बात पर कि यार इतना सा बच्चा है ये और देखो ये बातें क्या कर रहा है। हाँ फरीदा जाहिर है अक्ल होती तो इतना बड़ा कदम थोड़ी उठाते। ये देख लो भाई गिरे वाला किसको देखना था, ज्यादा लोग मन के दुआ करें आमीन। कमेंट यार नहीं रीड हो पा रहे, तेजी से भाग रहे हैं। ये इसका ट्राउजर है और ये इसका दुपट्टा है खाड़ी का। भाई क्या करेंगे, भाई क्या करेंगे, घर वाले तो जाहिर है सपोर्ट ही करते हैं ना, और मेरे कहने पे सबकी कोशिश यही है कि मामला जो है वो बने रहें मेरी वजह से खाली, वरना जो जो चीजें सामने हैं उसके लिए तो कोई भी एग्री नहीं है।
4000 का है, HB 4000 रुपीस का है। सही बात है वाकई में। हाँ शबाना मेरा ये है। नहीं आयशा डॉल नहीं करता। आयशा रहमान मुझे नहीं पता कुछ भी। मैं शुरू से बहुत स्ट्रांग हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देखी हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अब आके जो है ना मैं बहुत टूटी हूँ, बहुत टूटी हूँ। हाँ ऐसा ही है, सब यही कह रहे हैं मुझे अपने घर वालों के पास। अच्छा जी ये वाला भी आप लोगों को मिलेगा 4500 का। दिखा मैं पा नहीं रही हूँ सही से क्योंकि मैं बैठी हुई हूँ। बॉटल ग्रीन हाँ बिल्कुल मिल जाएगा बॉटल ग्रीन। फिर देख के अल्लाह रहम कर दे तेरा दानिश आमीन सुमा मीन। खुद आपको खुद का अलहदा हो जाना चाहिए यार। मैंने वैसे अब तक जिसने भी सुना है ना सब ने मुझे यही कहा है, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों की वजह से सिर्फ यही चाहती हूँ कि नहीं यार कोई बात नहीं, जब अल्लाह पाक बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हमारी माफ़ कर देता है तो मैं भी जो है वो माफ़ कर दूंगी, कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी सिर्फ बच्चों के खातिर, बाकी और कोई वजह नहीं है और कोई वजह नहीं है। प्यार मोहब्बत ये सब चीज़ें एक तरफ होती हैं, बस वही बात है। हर इंसान मुझे यही कह रहा है कि जो शख्स इस हालात में छोड़ के चला जाए तो आगे आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि नहीं यार क्या पता अल्लाह मियाँ आंखें खोल दे, अल्लाह मियाँ हिदायत दे दे उनको, उनका दिमाग खुल जाए। अच्छा जी स्मॉल साइज 18-19 चेस्ट साइज। नहीं अभी नहीं हुआ। हाँ जाहिर सी बात है यार औरत क्या करेगी, जब औलाद हो जाती है ना तो उसको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है सिर्फ औलाद की शक्ल देख के। ये नहीं यार वो ना रुले उसको ना बिना बाप के ना बिना माँ के रहना पड़े, क्योंकि जो सगा बाप होता है वो सगा बाप होता है, जो सगी माँ होती है वो सगी माँ ही होती है। चाहे आप सोने का निवाला क्यों ना खिला दो ना सोने का निवाला, तो सगा खून सगा ही होता है, चाहे आप कुछ भी कर लो ये हकीकत है। अल्लाह बड़ा करे माफ कर दे अल्लाह पाक हौसला दे, आपका लाइव देख रही हूँ अल्लाह पाक हौसला दे आमीन सुमामी। लेकिन अगर बाप ना चाहे औलाद का तो क्या करना चाहिए, फिर तो जाहिर है यार मजबूरी है ना, माँ को ही पालना है फिर तो मजबूरी है, माँ ही पालेगी, जब बाप नहीं पालेगा तो क्या करेंगे। नहीं भाई कोई जॉब नहीं करते, वो अजबा कोई जॉब नहीं करता, आपके पास अगर कोई जॉब है तो आप लगा दो उनको जॉब पे, शायद उनका दिमाग बढ़ जाए काम में लग जाएंगे तो।
नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे कैरेक्टर पूरी दुनिया के सामने है, मुझे क्या मेरे कैरेक्टर पे क्या इल्जाम लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सीन नहीं है, बिल्कुल आपका अच्छा नहीं हो तो जिंदगी अच्छी नहीं गुजरती। हाँ सही बात है, कराची में बारिश हो रही है, दुआ करें कबूलियत का वक्त। बारिश हो रही है, हाय हाय। खैर चले, क्या टाइम हो गया दो। हाँ सही बात है यार, माँ तो औलाद के पीछे ही मरती है ना, क्या करे। माँ नहीं छोड़ सकती औलाद को, प्राइस में कोई शर्ट। माहीन साइज क्या चाहिए, साइज क्या चाहिए? मैसेजेस यकीन करो इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि पढ़ने में भी नहीं आए। बॉटल ग्रीन कलर, अच्छा री हाथ में ही मंदी आती है। आमीन सुम आमीन। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, ये बात तो है, बहुत बड़ा फैसला है। वक्त जी मेरी साथ नहीं पढ़े जा रहे, भाग रहे। चिकनकारी, चिकनकारी के ऊपर है ये मैक्सी है, 2700। अपना फोन अपना होता है। हाँ सही बात है यार, अपना फोन अपना होता है। सगे माँ बाप जो होते हैं ना वही सगे होते हैं बस। नहीं मेरे पेरेंट्स नहीं है इनोसेंट, नहीं है। आमीन सुम आमीन खतीजा, आमीन सुम आमीन। हाँ वीवर्स से याद आया, मैंने वो पोस्ट लगाई थी ना कि आप लोग आखिरी लाइव करूंगी मैं, तो एक बंदी ने मुझे कमेंट किया, अल्लाह जाने नाम क्या था भूल गई मैं, मैंने पढ़ा वो कमेंट, कह रही इन्होंने इसलिए लिखा है, इन्होंने इसलिए लिखा है कि लाइव में वो आएंगे बहुत सारे व्यूज आएंगे ना, इसीलिए व्यूज आने के लिए लिखा है कि मैं आखिरी लाइव करूंगी ताकि ना बहुत सारे व्यूज आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी प्यारी प्यारी यहाँ पे बहने कि मुझे जवाब देने की उनको जरूरत। हाँ मैंने जवाब दिया था, मैंने कहा हाँ आखिरी लाइव कर रही हूँ, मैंने लिखा था कि हाँ मरने जा रही हूँ आखिरी लाइव कर रही हूँ, तुम जरूर देखना वरना एक भी यू कम हो जाएगा। आमीन सुम आमीन अजबा। मर्द किसी का नहीं होता वफादार, हाँ मेरी अम्मा कहती थी आस्तीन का सांप होता है, तो कभी एतबार मत करना। सही बात है, सही कहते हैं बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं ना वो सही कहते हैं। मेरी अम्मा कहती थी ये बात, मर्द जात पे बेटा कभी एतबार नहीं करना, किसी का नहीं होता। हाँ वालेकुम अस्सलाम मासूमा सिद्दी। हाँ तो वो पगली लड़की थी, पता नहीं नाम क्या था भूल गई मैं, उसने मुझे कहा कि व्यू के लिए उन्होंने लिखा हुआ है के जो है ना ताकि व्यू आए, तो फिर दो तीन लोगों ने जवाब दिया भाई वो रात के 3 बजे आए 4 बजे आए तो भी उतने ही व्यू होते हैं। आपने तो दिल क्या डरा दिया था। अच्छा हलीमा वालेकुम अस्सलाम, क्या बताऊं हरमेन, मर्ज से पलो वफा करेगा। सही बात, बिल्कुल सही का, बिल्कुल सही का।